नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सुन रहे हैं रम्या रामायणी कथा। महाराज दशरथ ने अयोध्या निवासी श्रेष्ठियों सामंतों सबको बुला करके वो राम को युवराज बनाना चाहते हैं, इस संदर्भ में जब सम्मति मांगी तो सबने बड़े ही आनंद के साथ महाराज दशरथ के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ कहते हैं, अहोस्मि परमः प्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठ प्रियं पुत्रं युवराज्यस्थं इच्छतः। भाई, आप सब लोग मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज बनाने के लिए सम्मत हैं, मुझे बड़ा ही आज आनंद है। अहोस्मि परम प्रीतः, मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं। इति प्रत्यर्चितान राज्ञा ब्राह्मणान इदमब्रवीत वसिष्ठम वामदेवम च तेसाम एवोपश्रुण्वताम। जैसे ही देखिए, राजा स्वतंत्र नहीं होता है। राजा को कोई भी कार्य करने के लिए, अपने पुत्र को भी युवराज बनाने के लिए उसको मंत्रणा तो करनी पड़ेगी। उत्तम राजा वही है, उत्तम राजा वही है। यहां राजतंत्र होने के बाद भी लोकतंत्र हो, इस प्रकार के प्रमाण हमें दिखाई देते हैं। अगर हम इस चीज पे ध्यान दें, महाराज दशरथ के राज्य में प्रजा सुखी है, इसका कारण है यहां लोकतांत्रिक प्रथा है। महाराज दशरथ को कोई इस प्रकार की जरूरत नहीं है कि वो सबके पास से परमिशन लें, वो सीधा अपने पुत्र को युवराज बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने सबकी सम्मति दी और सबकी सम्मति मिल जाने के बाद वो वशिष्ठ और वामदेव वगैरह जो उनके पुरोहित हैं उनसे कहते हैं, चैत्रा श्रीमानयम मासः पुण्यः पुष्पित काननः युवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्पितम्। भाई, बड़ा ही सुंदर ऋतु चल रही है, वसंत ऋतु, चैत्र महीना है। मासः पुण्यः पुष्पित काननः, पुण्य मास है, उत्तम कार्य करने के लिए उत्तम समय है। सभी जंगल वन कानन सर्वत्र पुष्पित हैं, यानी हर तरीके से उत्तम वातावरण है। राज्य स्तूप रते वाक्य जन घोषो महानवीत। तो इस समय पे राम को अभी, मतलब इसी ऋतु में इसी समय युवराज बनाने की मेरी इच्छा है। देखिए, पहले युवराज बनाने की इच्छा व्यक्त की, अब कह रहे कि इसी ऋतु में युवराज बनाने की इच्छा है, इसी मास में युवराज बनाने की इच्छा है। राजा ने जैसे ऐसा कहा, जन घोषो महान भूत, बड़ा जोरदार लोग अभिनंदन करते हैं। अरे, युवराज बनाना ये निर्णय तो क्या, जल्दी बना, अरे और अच्छी बात है, तो और ज्यादा। सनैस तस्मिन प्रशांत चा जन घोषो नराधिपा। जब वो जन घोष शांत होता है, जब प्रजा शांत होती है, तो वशिष्ठ मुनि शार्दूलम राजा वचनम अब्रवीत अभिषेकाय रामस्य यत् कर्मम सपरिच्छदम। महर्षि वशिष्ठ से महाराज दशरथ कहते हैं कि भाई, राज्याभिषेक के लिए जो कुछ करना है, अभिषेकाय रामस्य, राम के अभिषेक के लिए यत् कर्म सपरिच्छदम, वो सारी तैयारियां आप करवाई। देखिए, ये सारी जवाबदारियां गुरु की, पुरोहित की हुआ करती थी। महाराज दशरथ कहते हैं, यद अद्य भगवान सर्वम आज्ञा पयित मर्रति तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वशिष्ठो द्विजसत्तमा। आपको जो जैसी जिसको जो आज्ञाएं देनी है, बस आप दीजिए, बस जल्दी से जल्दी आप इस कार्य को पूर्ण करवाइए। इस प्रकार से कह करके जैसे कहा है, तो जो कुछ सामग्रियों की जरूरत है उन सारी सामग्रियों की संचय होने लग गया है। शुक्ल माल्यानी लाजांसे पृथक च मधुसर्पिणी अहतानी च वासांसी रथम सर्वायुधानी च। भाई, राजा का राज्याभिषेक है, चतुरंग बलम चाहिए, गजम च सुखलक्षणम, चतुरंगिणी सेना, मतलब जो कुछ भी है। बड़ा वाल्मीकि रामायण की संस्कृत बड़ी सरल है, इसलिए मैं सब, और अगर आप क्रमशः सुनते आ रहे हैं तो धीरे धीरे आपको वैसे ही अब संस्कृत समझ में आने लग गई होगी, तो सुनते रहिए। यहां सब श्लोकों का अर्थ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन श्लोक कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक मैं वो श्लोक नहीं बोलता हूं, मुझे वो भाव नहीं प्राप्त होता है।
तो सारी जितनी सामग्रियों की जरूरत है तत्सर्वम उपकल्पताम, आप वो सारी सामग्रियां इकट्ठी करवाइए, जल्दी से सारा काम करवा लीजिए। अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चंदनस्त्रग्भिर अर्चताम धूपैश्च घ्राणहादिभिः। अंतःपुर से लेकर के नगर में जितने भी द्वार बने हुए हैं उन सारे द्वारों को सुशोभन होना चाहिए और उन सारे द्वारों की अर्चताम पूजा होनी चाहिए। देखिए द्वार पूजा की विधि उस समय पे भी थी, आज भी अगर हम कोई शुभ काम करते हैं तो अपने घर के दरवाजे की पूजा करते हैं। भाई बड़े महल तो है नहीं कि बहुत बड़ा महल हो, जिनके यहाँ होंगे वो उनकी पूजा करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ गृहलक्ष्मी के लिए घर के दरवाजों की पूजा का विधान है। यहाँ पे भी महल के और पूरे नगर के, भाई नगर के युवराज बनने वाले हैं, राज्य के युवराज बनने वाले हैं, तो जितने भी प्रशस्तमन्नम गुणवत् अधिक क्षीरोपसेचनम द्विजानाम सत साहस्रे यत् प्रकामम फलम भवे, भाई 100,000 सत साहस्रे 100,000 यानी 100,000 जितने ब्राह्मणों को खिलाने पिलाने का इंतजाम कीजिए, अच्छे से अच्छा उनको भोजन किया जाए। सत्कृत्य द्विज मुख्या नाम स्वाप्रभाते प्रदीयताम, कल सुबह ही ये काम करना है, कल सुबह ही ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। देखिए कई बार क्या होता है कि राजा के मन में विचार कुछ चल रहे होते हैं लेकिन एकदम से सारे विचार जो है मंत्रिमंडल के सामने वो नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सम्मति मिलती जाती है, हम ये करना चाहते हैं, हाँ महाराज मंजूर है तो अभी कर लें, आज ही कर लें, इस प्रकार से वो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये प्रस्ताव महाराज दशरथ के मन में, मैं तो समझता हूँ आगे आप जैसे जैसे सुनेंगे आपको भी इस चीज़ का अनुमान लग जाएगा, बहुत पहले से था कि राम को युवराज बनाना है, लेकिन कुछ राजनीतियाँ होती हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं होती हैं जिन सब के कारण दशरथ ये निर्णय करने से पहले कई बार सोच रहे हैं, लेकिन अब जब निर्णय उन्होंने कर लिया है तो वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये निर्णय जो है वो एक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए, इसका कारगर इसको जल्दी से जल्दी वो बनाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि कल ही इस प्रकार से सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। सूर्येभ्युदिते मात्रे सो भविता स्वस्ति वाचनम ब्राह्मणास्य निमंत्रयताम कल्पताम आसनानि च, भाई सभी ब्राह्मणों को बुलाओ, उनको आसन इत्यादि दो, क्योंकि कल सुबह ही स्वस्ति वाचन शुरू होने हैं। देखिए स्वस्ति वाचन कई दिनों तक चला करते थे, अभी तक ये नहीं है कि कल राज्याभिषेक होना है, अभी तक तो ये कहा गया है कि इस महीने राज्याभिषेक होना है, चैत्र महीना चल रहा है, इसी महीने राज्याभिषेक होना है। अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तैयारियां इतनी शीघ्रता में महाराज दशरथ करवा रहे क्योंकि उनके मन में तो ये है। फिर वो क्या कहते हैं, रामः कृतात्मा भवता शीघ्र मानीयताम इति, सुमंत्र को आज्ञा देते हैं कि राम को जल्दी से बुला के ले आओ, और फिर सुमंत्र रामम तत्रान्यान चक्रे रथेन रथी तांवरम, महारथियों में श्रेष्ठ ऐसे राम को तुरंत ही सुमंत्र जा करके और लेकर के आते हैं। आते हुए राजकुमार राम को देख करके महाराज दशरथ परम प्रसन्न होते हैं। प्रसादस्थो रथम ददर्शयांत आत्मजम गंधर्व राज प्रतिमम लोके विख्यात पौरुषम, बड़े दीर्घबाहुम महासत्वम मत मातंग गामिनम, जिनकी लंबी भुजाएं हैं, महान शत्रुशाली हैं, मदमस्त हाथी की तरह जिनकी चाल है, चंद्रकांता ननम रामम अतीव प्रिय दर्शनम, चंद्रकांत जैसा जिनका मुख है अत्यंत प्रिय दर्शन है, रूपो दार्य ही गुण ही पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणम, अपने रूप उदारता वगैरह गुणों से जो सभी लोगों के हृदय का हरण कर लिया करते हैं, धर्माभितप्ता पर्जन्यम हलादियंते मिव प्रजा, और सारी प्रजा जब धर्म कार्य में रत हो, देखिए धर्म कार्य करने में थोड़ी समस्या तो आती है, ये जो यहाँ पे जो बात कही गई है उस बात का अर्थ जो यहाँ लिखा है उसकी बजाय हमको समझना होगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो कर्तव्य का पालन करने में उसको थोड़ी परेशानी तो होती है, क्योंकि कर्तव्य पालन इतना सरल तो नहीं होता है,
और जो वो समस्या होती है अगर उसका प्रतिशत बराबर मिल जाए, उसका प्रतिफल बराबर मिल जाए, उसका इनाम बराबर मिल जाए, तो व्यक्ति की सारी थकान उतर जाती है। महाराज दशरथ राम को इस तरीके से देख रहे हैं कि उनकी प्रजा जो अच्छी तरीके से धर्म का अनुसरण करती है, उस प्रजा को राम प्रसन्न करने वाले, यानी उस प्रजा को प्रतिफल देने वाले राम हैं। इस प्रकार का जो ये यहां उल्लेख है, ये बड़ा ही सुंदर है। महाराज दशरथ के पास राम पहुंच जाते हैं, जाकर के अपना नाम लेकर के पिताजी को प्रणाम करते हैं। पिता दोनों हाथ पकड़ करके और राम को अपनी छाती से लगा लेते हैं। उसके बाद एक ऊंचे सोने के बने हुए सिंहासन पर उनको बिठाते हैं। तस्मै चाभ्युदितम सम्यग मणिकांचन भूषितम, और फिर जो कहते हैं, दिदेश राजा रुचिरम रामाय परमासनम तदासन वरम प्राप्य व्यदीपयत राघवः। उस आसन पे जो बड़ा ही सुंदर और ऊंचा आसन है, उस पे राम को बिठाते हैं और उस पे राम बड़े ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वाल्मीकि अपना उनके वर्णन का, उनकी शोभा के वर्णन का मोह संवरण नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे चंद्रमा से घिरी हुई शारदीय, चंद्रमा से घिरी हुई रात्रि का वातावरण हो, चंद्रमा बीच में चमक रहा है, आसपास सारे तारागण होते हैं, ऐसे यहाँ आसपास सारे श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं, मंत्री लोग बैठे हुए हैं, और बीच के सिंहासन पे महाराज दशरथ ने राम को बिठा दिया है, या सुमेरु पर्वत के ऊपर सूर्य चमक रहे हों। इस प्रकार से वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है और महाराज दशरथ उनकी इस शोभा को देख करके परम प्रसन्न होते हैं और फिर ये कहते हैं कि भाई हम उवाच एदम वचो राजा देवेंद्रमिव कश्यपः ज्येष्ठायामसि मे पत्न्याम सदृशाम सदृशः सुतः। हे राम, तुम मेरी ज्येष्ठ पत्नी से उत्पन्न हुए ज्येष्ठ पुत्र हो, उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठ हो, मम रामात्मजः प्रियः त्वया यतः प्रजाश्चेमा स्वगुणै अनुरंजिता। आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र तो हो ही हो, इसके साथ आप प्रजा का बड़ा ही ध्यान रखने वाले और प्रजा को अत्यंत प्रिय हो। भाई सारी प्रजा ने एक साथ अनुमोदन किया है ना, तो तस्मात् त्वं पुष्प योगिने योग राज्याम अमाप्नु ही। इसलिए पुष्य नक्षत्र में, अब देखिए कल ही पुष्य नक्षत्र है, अभी इस महीने की बात हो रही थी, अब पुष्य नक्षत्र कल है, तो कल ही पुष्य नक्षत्र में आपका युवराज पद पे अभिषेक करना है। गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम् भूयो विनयमास्थाय भव नित्यम जितेंद्रिया। अब देखिए, आपको युवराज बना रहे हैं, लेकिन महाराज दशरथ जो है कहते हैं कि वैसे तो पुत्र आप सभी गुणों से संपन्न हैं, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक पिता के रूप में मेरी ये जवाबदारी है। तो राम को शिक्षा देते हैं, काम क्रोध समुत्थानी त्यजेथा व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा। भाई काम क्रोध वगैरह पे व्यक्ति को विजय प्राप्त करनी चाहिए जो राजा हो, व्यसनों से दूर रहना चाहिए और गुप्तचरों के माध्यम से प्रत्यक्ष परोक्ष सभी विषयों का उसको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अमात्य प्रवृत्ति सर्वा प्रकृतिश्चानुरंजयन कोष्ठागार युधागारे कृत्वा संचयान बहु। हमेशा आपके कोषागार और आपके शस्त्रागार भरे रहने चाहिए और अमात्य मंत्री वगैरह जो हैं इन सब का अनुरंजय, इनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। राम से ये कहते हैं कि हे राम, आप युवराज बने तो इन सारी चीजों का, कौन आपके मित्र हैं, कौन आपके हितेशी हैं, कौन आपके क्या हैं, उन सब का आपको ख्याल करना चाहिए। इस प्रकार से राम को उपदेश देते हैं। राम भी पिता के सारे उपदेशों को सुन करके और फिर उनकी अनुमति लेकर के अपने भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्त श्रुत्वा तदा लाभमिवेष्टमासु नरेन्द्रमामंत्र ग्रहाणि गत्वा देवान् समानर्चुरति प्रहष्टा। नगर के सारे लोग भी महाराज की अनुमति लेकर के अपने अपने घर जाते हैं। यहाँ आकर के ये तीसरे सर्ग की कथा पूरी होती है। अगले सर्ग की कथा अगले वीडियो में। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए,
शुरुआत से पूरी कथा सुनिए, आपका आनंद और बढ़ जाएगा। धन्यवाद।